नमस्कार। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, जब भी कोई कार्य करे ना तो कभी भी क्वांटिटी को महत्व ना दे, क्वालिटी को महत्व दे अपने जीवन। अगर आप क्वालिटी को महत्व दोगे ना तो आप हमेशा, आपका कोई भी कार्य हमेशा परफेक्ट होगा। क्वांटिटी पर ध्यान देने से आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी कहां से लाओगे? जब उस काम में क्वालिटी नहीं होगी ना तो उस काम को कौन देखेगा? लोग क्वांटिटी नहीं देखते हैं, लोग आपके काम की क्वालिटी देखते हैं। और एक क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर है, एक छोटा सा उदाहरण महाभारत में देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण कभी भी युद्ध नहीं जाते थे कौरवों और पांडवों के बीच में। उन्होंने लास्ट अंतिम समय तक प्रयास किया दुर्योधन को समझाने के लिए, लास्ट तक संधि प्रस्ताव भेजते रहे दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन अपने लालच से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, साथ में अपने सगे संबंधी और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास में जाते हैं कुछ मांगने के लिए। श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों के संधि थे। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस युद्ध में किसी की तरफ से भाग नहीं लूंगा और नहीं मैं इस युद्ध में कोई अस्त्र उठाऊंगा। यह श्री कृष्ण का वचन था महाभारत में। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास में कुछ मांगने जाते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निहत्ता अकेला, मांग लो जिसको मांगना है। तो मूर्ख दुर्योधन क्या समझता है कि श्री कृष्ण ने तो पहले ही इस युद्ध में कोई अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, तो मैं श्री कृष्ण को मांगकर क्या कहूंगा? मैं श्री कृष्ण की नारायण सेना मांगता हूं जो उस वक्त पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेना थी। उसके मन में लालच आया कि ये नारायणी सेना अगर मेरी तरफ आ गई ना तो मैं पांडवों को हमेशा हमेशा के लिए हरा दूंगा। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगता है। और इधर अर्जुन जानते थे, सब कुछ जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में भले ही अस्त्र नहीं उठाएंगे लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिस तरफ रहेंगे ना उस तरफ जीत निश्चित है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा। एक तरफ दुर्योधन ने क्वांटिटी मांगी और एक तरफ अर्जुन ने क्वालिटी मांगी, और परिणाम आप जानते हो। लाखों की क्वांटिटी पर एक क्वालिटी भारी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही महाभारत में अस्त्र नहीं उठाया लेकिन नाना प्रकार से पांडवों की मदद की युद्ध में। अगर श्री कृष्ण पांडवों की मदद नहीं करते युद्ध में तो यह युद्ध पांडव कभी नहीं जीत पाते। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि क्वालिटी को महत्व दे, क्वांटिटी को नहीं।